तो हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल काश यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। तो यार, बहुत से लोग पूछते हैं कि हैकिंग हो जाता है, तो आज ये बताऊंगा कि हैकिंग कैसे हो जाता है। सो लेट्स गो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें टेक्निकल काश यूट्यूब चैनल को, दबाए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताऊँ कि कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ ना करें, कोई ऐसी वेबसाइट सर्व ना करें जो अनसिक्योर जो वेबसाइट हो, क्योंकि जैसे हम कुछ डालते हैं ना, मान लो कुछ भी डाल देते हैं, vidmate.com, xyz, जो भी हो, मेरे दिमाग में भी कुछ आ नहीं रहा, तो उस पर क्या आता है, https, यानी वो वेबसाइट सिक्योर है। जिसके आगे http के आगे s लिखा हुआ है, समझो वो वेबसाइट सिक्योर है, वो सिक्योर है। जिसके आगे s नहीं है तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है, उस पर कुछ भी हो सकता है, xyz कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात आ जाती है एप्लीकेशंस के बारे में। मोबाइल जो एप्लीकेशंस होती हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी यूज़ करें जो गूगल से ऑथराइज हो, और मतलब जो सिक्योर हो पूरे तरीके से। ऐसी अब तुम करोगे यार विडमेट जैसे एप्लीकेशन यूज़, और फिर बोलोगे यार डेटा हैक हो गया, तो फिर उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूँ ना। अगर आपको शेयर इट यूज़ करना है तो गूगल फाइल्स डाउनलोड कीजिए, उसमें तुम्हें फाइल मैनेजर भी मिल जाता है और शेयर का भी वो मिल जाता है, जैसे शेयर इट में होता है शेयर और रिसीव करने का। व्हाट्सएप के बारे में बात कर लेते हो, व्हाट्सएप पूरी तरीके से सिक्योर है, फेसबुक पूरी तरीके से सिक्योर है, इंस्टाग्राम पूरी तरीके से सिक्योर है, ट्विटर पूरी तरीके से सिक्योर है, और अदरवाइज अभी मेरे दिमाग में कोई ऐसी वेबसाइट नहीं आ रही है। और दूसरी बात आती है कि वो कई लोग बोलते हैं यार मेरे फ़ोन से डेटा लीक हो गया फ़ोन से, अब मैं क्या करूं। अब भाई एक बात बताओ, किसी के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता कि वो बंदा हैकर भी हो सकता है जिसको तुम अपना फ़ोन थोड़ी देर के लिए दिखा रहे हो। क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन आ रही है कि मैं आपके फ़ोन में अगर इंस्टॉल कर दूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा वो एप्लीकेशन कहाँ इंस्टॉल्ड है। आप एप्लीकेशंस में जाके देखेंगे तो वो कहीं शो नहीं होएगी, और वो एप्लीकेशन क्या करेगी, आपका या तो लाइव वीडियो मुझे प्रोवाइड करेगा अपने फ़ोन पे, मेरे फ़ोन पे, या फिर आपके फ़ोन के बार बार स्नैपशॉट्स लेके ना, स्नैपशॉट्स वगैरह ले के वो मेरे फ़ोन पे भेजता रहेगा। उससे मुझे क्या पता चलेगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आप जो फ़ोन में काम कर रहे हैं, मतलब आप जो भी अपना ईमेल एड्रेस भर रहे हैं, या फिर अपना न्यू व्हाट्सएप बना रहे हैं, या फिर न्यू फेसबुक बना रहे हैं, कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, तो स्नैपशॉट्स वो ले के मुझे भेजता रहेगा। तो वहाँ से वो डेटा हैक होता है। तो फ़ोन को अगर किसी को दिखाना, क्योंकि आजकल भाई हैकिंग का ज़माना है, हैकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आज के टाइम में, तो ना दिखाएं किसी, मतलब अपना पर्सनल डिवाइस किसी को ना दिखाएं, और अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखने की कोशिश करें। और गूगल LLC की जो एप्लीकेशंस होती है, गूगल LLC की जो एप्लीकेशंस होती है, उन्हें आप यूज़ करें। आप प्ले स्टोर पर डालेंगे गूगल LLC, तो वो जैसे YouTube चैनल खुलता है ना, चैनल क्लिक करने के बाद चैनल खुल जाता है पूरे, उसके सारी वीडियोस आ जाती है। तो इसी तरीके से प्ले स्टोर पे आप लिखेंगे गूगल LLC, कोई भी एक फाइल उठा के गूगल LLC पे क्लिक करने के बाद वो सारी एप्लीकेशंस आपको शो कर देगा। वो उसमें, उसके अंदर जो एप्लीकेशंस है वो पूरे तरीके से सिक्योर है, उन एप्लीकेशंस को यूज़ कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। अगर आप जैसे, अब हम विडमेट के बारे में बात कर लेते हैं। विडमेट आज के टाइम में तकरीबन हर बंदा यूज़ कर रहा है विडमेट। तो विडमेट क्या है, विडमेट आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, विडमेट की एक अलग वेबसाइट है, वो वहीं पर ही जाके मिलेगा, apk.com और apk.in, ये वो इधर उधर जाके मिलेगा। विडमेट फ्री विडमेट डाउनलोडर, फ्री वीडियो डाउनलोडर, इस तरीके से आपको वेबसाइट्स पे जाके मिलेगा, प्ले स्टोर के अंदर नहीं मिलेगा। और प्ले स्टोर में भी फेक वेबसाइट्स, फेक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, फेक एप्लीकेशंस होती हैं, तो उनसे भी थोड़ा सावधान रहें। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें अपने फ़ोन में जिससे आपको हैकिंग का डर हो। अब हम बात कर लेते हैं भाई आईफोन के बारे में। आप बोलोगे यार आईफोन हैक नहीं होता, और ब्लैकबेरी हैक नहीं होता,
कुछ परसेंट तक नोकिया भी हैक नहीं होता, क्योंकि भाई इनके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दी गई है। पता है आप कोई फ़ोन लेंगे ना, ओप्पो वीवो, अगर मान लो चोरी का फ़ोन है ना, तो जो हैकर होगा ना तो उसका IMEI चेंज कर देगा, ठीक है। नोकिया, ब्लैकबेरी और ये आईफोन वगैरह होता है, इनमें ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें हैकिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता, और इनका वेब भी अलग होता है, सफारी हो गया और ब्लैकबेरी में BBM हो जाता है, और नोकिया में तो अब एंड्रॉयड आ गया भाई। नोकिया की तो हम बात नहीं कर सकते कि नोकिया भाई हैक नहीं हो सकता, नोकिया भी हैक हो सकता है क्योंकि नोकिया में आ गया एंड्रॉयड, और आईफोन वगैरह तो भाई पूरे तरीके से सिक्योर है। तो भाई पूरी बात ये है कि गूगल LLC की एप्लीकेशन यूज़ कीजिए, और कोई ऐसी एप्लीकेशन यूज़ ना करें, मतलब जो अनसिक्योर एप्लीकेशन है, ठीक है। वो आपके फ़ोन में एक ऐसी फाइल डाल देते हैं, मतलब जो आपको पता भी नहीं चलता, ऐसी फाइल इंस्टॉल कर देते हैं जो आपको पता भी नहीं चलता है और आपके फ़ोन में इंस्टॉल होती है, और बार बार स्नैपशॉट्स वगैरह ले लेके आप दूसरे डिवाइस तक पहुंचाती रहती हैं, जिससे आपका सारा डेटा हैक हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।